इतिहास को दोहराने को लेकर हालांकि मुलाकात टल गई, लेकिन बीएसपी के विधायक दल ने अनसुलझे सवाल सबके सामने छोड़ दिए हैं। देश में मोदी सरकार बनने और राजस्थान में 25 सीटें गंवाने के बाद कांग्रेस में हलचल है। राजस्थान में हाथी के सिंबल पर जीते 6 विधायक भी बेचैन हो गए हैं, शायद उन्हें सत्ता में भागीदारी चाहिए। राज्यपाल कल्याण सिंह से बीएसपी विधायक दल की तरफ से मिलने का वक्त लेना कोई साधारण घटनाक्रम नहीं था। मुलाकात भले ही नहीं हो सकी हो, लेकिन सियासत साफ तौर पर नजर आई। बीएसपी विधायक दल से जुड़े 6 विधायक लाखन सिंह मीणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप यादव, वाजिब अली और दीपचंद खैरिया लगता है समय, कालखंड और परिस्थिति के मुताबिक राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अगर वो समर्थन वापस लेते भी है तो भी सरकार पर असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बीएसपी विधायक दल का कांग्रेस में विलय होता है तो सियासत अपने उफान पर होगी। हमने कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रखा है और ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर दिया था। हम सारे के सारे लोग कांग्रेस के साथ है, अशोक जी गहलोत के साथ और उनके नेतृत्व में विश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं। बीएसपी विधायकों के राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलने के पीछे की सियासत को देखें तो पहला, या तो बीएसपी विधायक दल सत्ता में भागीदारी चाहता है, इसके तहत इतिहास को दोहराते हुए कांग्रेस में विलय कर लिया जाए। गहलोत की दूसरी सरकार के समय बीएसपी के 6 विधायक मिल गए थे, इनमें से कुछ मंत्री बने और कुछ संसदीय सचिव बने। उस दौर में डॉक्टर राजकुमार शर्मा, मुरारी लाल मीणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा मंत्री बनाए गए, रामकेश मीणा, गिरिराज सिंह मलिंगा संसदीय सचिव बनाए गए। मौजूदा घटनाक्रम के पीछे यही बात ही सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार से समर्थन वापसी, अभी बीएसपी विधायक दल ने बाहर से समर्थन दे रखा है। हालांकि समर्थन वापसी से गहलोत सरकार पर असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बीजेपी ने अगर कोई और सियासत की तो असर होगा। बीएसपी के 6 विधायकों की संख्या इतिहास से जुड़ी है। इन विधायकों को चिंता भी ये है कि कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को सुलझाया जाए। बीएसपी के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे पावरफुल शक्तियों का भी पर्दे के पीछे हाथ माना जा रहा है। सियासी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीएसपी के विधायक सहयोगी बनेंगे या चुनौती पेश करेंगे। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।